नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं एमएनएस एक्सप्रेस मीडिया न्यूज सर्विस की एमएनएस एक्सप्रेस चुनावी खास कार्यक्रम। देख सकते हैं महाकाल बाबा, उज्जैन महाकाल धार्मिक नगरी में आज हम एमएनएस एक्सप्रेस जा पहुंची। हम जायजा ले रहे हैं लोगों से, लोगों के मिजाज, देश के लोगों का मिजाज देख रहे हैं कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। आइए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मोदी को होना तो चाहिए देश का प्रधानमंत्री। मोदी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मोदी ने जो कार्य किया और मोदी के अंदर जो जज्बा है वो किसी भी प्रधानमंत्री में आज तक देखने को नहीं मिला। निश्चित ही जज्बा जो है वो देखने को नहीं मिला और सिर्फ मोदी में देखने को मिला। आप कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। उज्जैन से ही हैं और देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। जो लोग जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक चोर हैं, वो आज मोदी को चोर बोल रहे हैं, खुद चोर हैं और मोदी को चोर बोल रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मतलब ये इनका कहना है चौकीदार चोर है, चौकीदार जोर पे जो टिप्पणी हो रही है वो खुद चोर बोलने वाले, चोर बोलने वाले जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आज तक जितने भी डाका डाल रहे वही लोग कर रहे हैं, वो मोदी को चोर बोल रहे हैं। पिछले 60 साल में जो कांग्रेस की सत्ता रही, अन्य पार्टी की रही, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है भ्रष्टाचार अव्वल रहा है, घोटाले हुए हैं, लोगों ने देखा घोटाले हुए हैं, लेकिन कराया वो किसी ने नहीं करा है। पाकिस्तान तक को जवाब दिया हमने, सभी जगह उन्होंने अच्छा काम कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे वो। निश्चित ही जो इच्छा शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया है कि किस तरह से देशभक्ति राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है बड़ा भारी हो रहा है। तो देश के लोकसभा चुनाव में आज किस तरह से चुनना चाहिए राष्ट्रवाद का जो मुद्दा अभी तक जो नहीं था। मेरा नाम अभिषेक है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मोदी जी हैं हमारे देश में, उन्हें हमारे देश की जनता ने चुन के इस लायक बनाया है कि वो उस देश के लोगों के लिए कुछ कर सकें। मैं गुजरात में रहा हूँ, पर्सनली मैंने उनके काम को देखा है, जैसे कि एक छोटी सी चौकी में जाके FIR रजिस्टर को चेक करना। तो जब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होकर इतनी बारीक सी चीज़ को देख सकता है, तो देश पे होने वाले हमले को वो किस तरह से लेगा, इस बात को सोचने के लिए भी हमको जागरूक होना पड़ेगा कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू किसी भी चीज़ के लिए, या फिर अगर राहुल गांधी जो कि देश के कैसे नेता हैं जिन्हें अपना खुद स्टेटमेंट देने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ता है, अगर जो व्यक्ति खुद बोलने के लिए सक्षम नहीं है वो देश को चलाने के लिए कैसे सक्षम है? स्वावलंबी सक्षम होना जरूरी। और राहुल गांधी को सक्षम नहीं मानते क्योंकि वो अपने भाषण हो या कुछ एडवाइस लेना हो राजनीति की वो नहीं ले पाते। हमारे साथ एक महाकाल के पंडित हैं, भक्त हैं, मौजूद हैं, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नेता भी हो नहीं सकता है, जिसने पूरे भारतवर्ष को जगा दिया है, इतनी ऊर्जा भर दी हर एक आदमी आज का मोदी है। अपने आप को चौकीदार भी बता सकता है और अपने आप को मोदी कहने में वो सक्षम है, उसे शर्म नहीं आती है। और राहुल गांधी खुद चोर होके इधर उधर भगता फिरता, वो नामदार है और ये कामदार है, इसलिए पूरा उज्जैन और पूरा भारत सिर्फ एक ही आपेक्षा करती है कि सिर्फ इस देश का प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी बने। बिल्कुल, कामदार और नामदार से जिस संबोधित किया जा रहा है, जनता भी जानती है कौन कामदार है कौन नामदार है। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी क्यों होने चाहिए साहब? नरेंद्र मोदी इसलिए होना चाहिए कि वो हर गरीब आदमी के साथ खड़े हैं और हर गरीब आदमी ये जानता है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मोदी आज नहीं तो कल सबका भला करेंगे और कर रहे हैं, इसलिए मोदी होना चाहिए। देश का भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सालों में किए, लोगों का मानना है। और यहाँ पर शुद्ध रूप से सभी जनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक महिला हमारे मौजूद है, क्या कहेंगी, किस तरह से देखती हैं आप देश के लोकसभा 2019 का चुनाव? 2019 का जो चुनाव होगा उसमें मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मोदी के अपोजिट में कोई भी देश में ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, तो मोदी को ही प्रधानमंत्री 2019 का होना चाहिए। निश्चित ही देश के पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस के पास नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने अनाउंस नहीं किया। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे देश का चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले राष्ट्र ही सबसे पहले होता है। निश्चित ही राष्ट्र ही सबसे पहले होता है। हमारे देखो उज्जैन धार्मिक नगरी है तो यहाँ पे महाकाल बाबा बैठे, तो ब्राह्मण और पंडित का तो बोलबाला होना चाहिए। एक पंडित हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे देश का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं आप? अभी हाल फिलहाल में तो मोदी को ही आना चाहिए, वही मतलब ये भारत चला सकता है, बाकी तो सभी अंधकार में। जो सर्जिकल स्ट्राइक करके राष्ट्रवाद की जो बात हुई, जैसे उमर दराज सीनियर सिटीजन ने कहा है, तो वो हावी हर मुद्दों पे हावी है वो जी।
तो मोदी को ही आना चाहिए। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ, उसके बाद जो मुद्दे थे विपक्ष जो उठा रहा था वो खत्म हो गए और राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी हुआ। कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल है ना, सारे जान चुके हैं कि सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा और सब अपने अपने हथियार फेंक चुके हैं। 6 चरण के चुनाव आज हो चुके हैं, 7वां चरण का चुनाव 19 तारीख को है और 23 मई कांग्रेस भी गई और सारे विपक्ष भी गए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 23 मई कांग्रेस गई, इस तरह से लोगों का कहना है उज्जैन धार्मिक नगरी का, और देश के पास ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा, इस तरह लोगों का मानना है उज्जैन धार्मिक नगरी से। मैं कैमरामैन अभिषेक शर्मा और डिंपल के साथ MNS मीडिया न्यूज सर्विस के लिए सुनील शर्मा, उज्जैन।